उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के हक में निर्णय लेते हुए गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना मूल्य में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर नीति समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि गन्ना का मूल्य उत्तर प्रदेश में 370 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। पिछले 6 वर्षों में गन्ना मूल्य में अब तक 55 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। वर्तमान सत्र में किसानों का 86% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण, महर्षि वाल्मीकि के नाम का प्रस्ताव, अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव, चोरी चोरा के नाम पर मुंडेरा नगर पंचायत का नाम का प्रस्ताव समेत 3 निजी विश्वविद्यालयों का भी प्रस्ताव पास हुआ है। माननीय योगी जी के जो शासन काल आया उसके बाद शिक्षा का उत्तर प्रदेश में आशा से कहीं अधिक वृद्धि हुई है, उसके क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। जो इन्वेस्टमेंट के अभी एक बिंदु थे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेनी है उत्तर प्रदेश को, उसमें भी शिक्षा का क्या योगदान है, तो उसमें भी निजी विश्वविद्यालय का इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है। इन सबको देखते हुए माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का एक बहुत बड़ा क्रम चला है, जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्वालिटी बढ़ेगी और अच्छी शिक्षा आएगी तो हब भी बनेगा और उसका परिणाम भी निकल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 5 सरकारी विश्वविद्यालय A++ नेक रैंकिंग में आ चुके हैं, 5 निजी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, A+ रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय सरकारी और A रैंकिंग तो कई हो गए।